हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फिल्ट्रेशन के दो इक्विपमेंट मेटा फिल्टर और कार्ट्रेज फिल्टर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटा फिल्टर के बारे में। ये फिल्टर एज फिल्टर भी कहलाता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जो हमारा मतलब जो है मेटा फिल्टर है, ये फंक्शन करता है एज ए स्ट्रेनर फॉर सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये इक्विपमेंट सरफेस फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो भी हमारा मेटा फिल्टर है, ये कंसिस्ट होता है सीरीज ऑफ मेटल रिंग कंटेनिंग जो है सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन। तो ये जो है इसमें वो काफ़ी सारी रिंग्स रहती हैं जिसके ऊपर की जो है आप कह सकते हैं जो सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस रहते हैं, और ये जो है हमारा पूरा जो सिस्टम है ये एक ग्रूव्ड रॉड के ऊपर फिक्स्ड रहता है। तो अगर हम आगे बात करें तो दीज आर अरेंज सो दैट ए चैनल इज फॉर्म ऑन द एज। ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ये जो रिंग्स हैं ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि जो हमारे इसके अंदर हमें एक चैनल प्राप्त होता है जिसके थ्रू की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। दीज रिंग्स आर यूजली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड हैव इंटरनल डायमीटर ऑफ 15 mm, एंड जो एक्सटर्नल डायमीटर है इसका वो 22 mm के आसपास होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील का बनी हुई होती हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल यूज के बारे में बात करें, इसका जो आप कह सकते हैं इंटरनल डायमीटर है वो 15 mm के आसपास होता है। ये जो हमारा डायमीटर है ये 15 mm के आसपास होता है, और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो 22 mm के आसपास होता है। तो इसमें ये हमारी वो रिंग है, इसके ऊपर जो हमारे रेस्ड प्रोजेक्शन है, और ये हमारी इसकी पूरी असेंबली है, इसके अंदर ये फिट रहता है। यहाँ से आउटलेट है, ये इसका जो है होता है एडाप्टर, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी रिंग्स को अटैच कर देते हैं, और ये बीच में यहाँ पे ग्रूव्ड रॉड होती हैं जो कि उसको उसकी पोजीशन को कंट्रोल करती हैं, उसको एक फिक्स्ड पोजीशन में मेंटेन रखती हैं। हाँ, तो ये इस इक्विपमेंट की जो है असेंबली है। अगर हम इसको देखें तो इस तरह से इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। जो भी हमारी स्लरी है वो आउटसाइड से इसके अंदर आती है। ये आप अगर बीच में देखें तो ये हमारी ग्रूव्ड रॉड होती है, जो कि हमारी जितनी रिंग है उनको एक फिक्स्ड पोजीशन में मेंटेन रखती है। उसके बाद जो है ये है हमारा जो है फिल्टर चैनल, इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। ये हमारे हालांकि पोर्स हैं जिसके थ्रू की क्लियर लिक्विड इसके अंदर से बाहर निकलता है और उसको हम बाहर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं प्रोजेक्शन आर अरेंज्ड द सेम वे अप। ये जो हमारी रिंग्स हैं वो एक सेम वे में ऊपर तक अरेंज रहती हैं, और ये जो हमारी रिंग्स हैं ये टाइटली इसके अंदर जो है हमारे वो कॉलम के ऊपर हम इसको फिक्स्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी नट, और ये इसके अंदर टाइटली फिक्स्ड रहता है। अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो दीज हालांकि फिल्टर्स आर प्लेस्ड इन ए वेसल एंड बाय पंपिंग द स्लरी विद द प्रेशर आर वैक्यूम एट आउटसाइड। तो इसमें हम जो है दो तरह से फिल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। हमारा वो जो भी वेसल है उसके अंदर हम इसको प्लेस्ड कर देते हैं, इसके अंदर अपनी स्लरी को पंप करते हैं जो प्रेशर से इंट्रोड्यूस करते हैं, या हम इसमें आउटसाइड एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, बीच में एक इसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। वो स्लरी पास थ्रू द चैनल फ्रॉम फॉर्म ऑन द एज बिटवीन द रिंग्स। जो भी हमारी स्लरी है वो जो भी हमारे चैनल्स फॉर्म हो रहे हैं रिंग्स के एज पे उसके थ्रू पास होती है, और जो क्लियर लिक्विड है वो हमें ऊपर की ओर कलेक्ट होकर रिसीवर में प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो इसका जो इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी लिक्विड के, या कह सकते हैं सीरप के क्लारिफिकेशन में हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें जो इंजेक्शन का फिल्टर उसके उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो इंसुलिन लिक्विड है तो उसके क्लारिफिकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, और अगर विस्कस लिक्विड है तो उसके भी फिल्ट्रेशन में हम इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के एडवांटेज के बारे में। तो इसका जो पहला एडवांटेज है, इसमें हम हाई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रिंग्स हैं वो मेटल की बनी है। अगर हम प्रेशर भी क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में इसमें कोई भी आप कह सकते हैं टूट फूट के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ हम कोई फिल्टर मीडिया अलग से नहीं यूज़ कर रहे हैं। जो भी हमारी वो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी लो होती है, एज सेपरेट फिल्टर मीडिया इज नॉट यूज, इसमें कोई अलग से फिल्टर मीडिया नहीं यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन में इस इक्विपमेंट की जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम अपने केक को रिमूव करना चाहें तो वो भी इफिशेंटली हो जाता है। हम जो प्रोसेस को अपोजिट कर देते हैं और जो भी हमारा केक है वो फ्लश होके वाटर के साथ में बाहर निकल जाता है। एक बैच से दूसरे बैच में इसका जो चेंज ओवर है वो ईजी होता है, आसानी से आप जो भी केक है उसको फ्लश कर देंगे और फिर उसको आप दूसरे बैच में यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टराइल प्रोडक्ट है तो उस कंडीशन में भी हम इस इक्विपमेंट को आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और खासियत है कि इसको हम अपने मटेरियल के अनुसार, इसके जो रिंग है उसके मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा कोरोजन के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले इक्विपमेंट के बारे में। इसका नाम है कार्ट्रिज फिल्टर। इसमें हम कार्ट्रिज यूज करते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को करने के लिए। इट इज ए थिन पोरस मेम्ब्रेन इन विच प्री फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर आर कंबाइंड इनटू सिंगल यूनिट। इसमें एक जो हमारा पोरस मेम्ब्रेन है उसमें जो है हमारा प्री फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर एक ही यूनिट के अंदर कंबाइंड रहता है। इसमें जो हमारी मैकेनिज्म है वो ये इक्विपमेंट काम करता है सरफेस फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म पे। अब हम लोग इस इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा कार्ट्रिज फिल्टर है इसके अंदर जो है होता है जो सिलेंड्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है विद डिस्पोजेबल और चेंजेबल फिल्टर मीडिया। ये एक इसके अंदर जो भी फिल्टर मीडिया है उसको हम जो है डिस्पोज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ये जो हमारी असेंबली है ये प्लास्टिक की या मेटल की बनी हुई होती है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो आइए अब हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये इस इक्विपमेंट का डायग्राम है वो जिसको कि हमने आपको दो पार्ट में दिखाने की कोशिश किया है। ये हमारी टोटल असेंबली है, सिलेंड्रिकल कॉन्फिग्रेशन, और इसके अंदर जो भी हमारे कार्ट्रेज हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, और ये जो हमारी आउटर असेंबली है इसको हम बोलते हैं कार्ट्रेज होल्डर। जो भी स्लरी है ऊपर से इनलेट करती है, जो फिल्ट्रेट है यहाँ से आउटलेट हम इसको जो है कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी है कार्ट्रेज है और यहाँ से हम जो भी हमारा केक है उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं जो भी हमारा कार्ट्रेज है उसकी असेंबली को देख लेते हैं। तो इस जो आउटर इसकी सरफेस है ये होती है जो प्रोपाइलिन प्रोटेक्टिव लेयर रहती है वो दोनों साइड, उसके बाद में प्री फिल्टर होते हैं इसमें दोनों साइड, मेम्ब्रेन फिल्टर वो 0.2 माइक्रोमीटर का अब वो दोनों साइड रहते हैं, और एक इसके अंदर रहता है इनर सपोर्ट रहता है जिसके ऊपर की मेम्ब्रेन फिल्टर और ये सब असेंबली प्रॉपरली सपोर्टेड रहती हैं। हाँ जो ऊपर और नीचे की ओर एक जो है होता है एंड कैप होता है वो जो कि हमारा मेटल सीट का होता है। जो भी हमारी स्लरी है इसमें दोनों साइड से अंदर की ओर आती है, और जो भी हमारा फिल्ट्रेट है वो ऊपर से कलेक्ट हो जाता है। तो इसको हम हाँ तो जो भी हमारा कार्ट्रिज है वो जो है वो दो मेम्ब्रेन फिल्टर का बना हुआ होता है। ये जो है मेड ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन, ए प्री फिल्टर इसके अंदर होता है और एक एक्चुअल फिल्टर या मेम्ब्रेन फिल्टर इसके अंदर होता है, और ये पूरी असेंबली जो है हाउस्ड होती है इन ए होल्डर, एक होल्डर के अंदर ये प्रॉपरली पैक्ड होती है। अब हम इस इक्विपमेंट के वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी जो भी स्लरी है उसको हम इक्विपमेंट के अंदर या कार्ट्रिज के अंदर पंप करते हैं, जो भी हमारा कार्ट्रिज होल्डर है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको पास करते हैं हमारे वो कार्ट्रिज फिल्टर यूनिट के थ्रू, और ये जो है स्ट्रेनिंग की मैकेनिज्म पे काम करता है। मीन्स वो जो भी हमारा आप कह सकते हैं कि स्लरी में सॉलिड है वो जो है इन फिल्टर्स के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और जो क्लियर लिक्विड है इसके थ्रू पास होके ऊपर की ओर से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी हमारा क्लियर लिक्विड है वो पास कर जाता है और उसको हम जो है आउटलेट से कलेक्ट कर लेते हैं।
अगर हम इस इक्विपमेंट के यूज़ की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं, अगर हम जो है वो कोई भी पैरेंटल प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 1000 लीटर से 15,000 लीटर तक ये जो है स्लरी को क्लियर करता है। और ये स्पेशली हम क्लारिफिकेशन के लिए इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, अगर हमारे सब्सटेंस के अंदर मीन हमारे स्लरी के अंदर ज़्यादा सॉलिड कंटेंट है तो वहाँ पे हम कार्ट्रिज फिल्टर को नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए या ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन के लिए जहाँ पे हम क्लारिफिकेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के एडवांटेज के बारे में। तो ये स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग फॉर स्टराइल ऑपरेशन। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील का कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो उसको हम जो ऑटोक्लेव में भी यूज कर सकते हैं अपने स्टराइल ऑपरेशन के लिए। जो भी हमारा वो कार्ट्रेज फिल्टर है अगर ये इसके अंदर हम अटैच कर देते हैं सेल्फ क्लीनिंग डिवाइस तो ये ज़्यादा जो है एडवांटेजियस हो जाता है, इसकी उपयोगिता जो है बढ़ जाती है अगर हम इसमें सेल्फ क्लीनिंग डिवाइस को ऐड कर देते हैं। इसमें हम रैपिडली चेंज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं हमारे फिल्टर मीडिया को, ये इसके अंदर पॉसिबल होता है। हेलो कार्ट्रेज जो है आर नॉट ब्रिटल व्हेन दे आर ड्राइड, जो भी हमारी कार्ट्रेज है अगर हम उसको ड्राई अगर वो ड्राई हो जाती हैं तो उस कंडीशन में भी ये ब्रिटल नहीं होती हैं, जिसको इसके कारण हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। यूज एज इनलाइन कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ये इनलाइन कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए यूज होता है, मीन्स इसको हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है, ये एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, वो ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल एलिमेंट, मीन्स ये इसके अंदर वो काफ़ी सारे जो वो डिस्पोजेबल एलिमेंट होते हैं जैसे कि आपका प्री फिल्टर हो गया, मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया, तो इसके कारण इस इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाती है और ये एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट कहलाता है। ए वो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोवाइड कंपोनेंट विच आर जनरली नॉट इंटरचेंज बिटवीन सप्लायर, मीन्स जो भी अक्सर क्या होता है कि मतलब जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने कंपोनेंट को किस कुछ इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि आपको अगर आपने इस फिल्टर को लिया तो आपके वो किसी और कार्ट्रेज किसी और कंपनी के कार्ट्रेज को नहीं यूज़ कर पाएंगे इसमें, जिससे कि इसमें उनकी एक तरह से हो जाती है मोनोपोली हो जाती है और आपको उन्हीं की कंपनी का कार्ट्रेज यूज़ करना पड़ता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों इक्विपमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इस टॉपिक का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। थैंक यू।